क्रिएशन का कॉज क्या है, इस जगत का कारण क्या है, क्या कारण है, क्या कॉज है एक पक्षी के एग्जिस्ट करने का, एक पक्षी क्यों अस्तित्व में आता है, क्या कारण है एक पेड़ का एग्जिस्ट करने का, क्या कारण है जानवरों का, क्या कारण है नीले आकाश का, पहाड़ का, पर्वतों का, क्या कारण है इस विराट संपदा, इस विराट जगत का, क्यों हो रही है ये जगत, प्रिपेयर हो रहा है, क्यों ये बन रहा है, क्या कारण है इंसानों का, ह्यूमंस का, क्या कारण हो सकता है। अगर साइंटिस्टों की माने, वैज्ञानिकों की माने, तो ऊर्जा अपने आप को बैलेंस करती है, तो ऊर्जा एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय होती है और ना ही एनर्जी क्रिएट होती है, वो अपने आप को बैलेंस करती है। एनर्जी अपने आप को बैलेंस कर रही है, अपने एनर्जी अपने आप को स्थिर कर रही है, उस स्थिरता में वो बह रही है, और उस बहने में वो अपने आप ही अकारण ही ठहर जा रही है और एक एक्सप्रेशन बना दे रही है, एक आप कह सकते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं एक्सप्रेशन को, एक बनावट बन जा रही है। कारण किसी चीज का नहीं है, क्या कारण हो सकता है एक फूल के एग्जिस्ट होने का, कुछ कारण नहीं। कारण मतलब बंधन, कॉज मतलब बंधन, कॉज है, कारण है, कोई कारण नहीं है जगत का। कारण मतलब बहुत छोटी चीज, ऊर्जा बह रही है फ्रीली, जहां वो थोड़ा ठहर जा रही है वहां कुछ बनावट बना दे रही है, कुछ एक्सप्रेशन कर दे रही है, इसलिए तो कुछ परमानेंट नहीं है, क्योंकि ठहरने के बाद वो फिर चलने लग जाती है। अभी ऊर्जा तुम्हारी फॉर्म में ठहरी हुई है, कुछ दिनों बाद तुम रहोगे ही नहीं, ऊर्जा कहीं और चली गई, एनर्जी कहीं और चली गई, कहीं और जाकर वो कहीं और ठहर जाएगी कुछ देर के लिए, और कोई और बनावट बना लेगी, किसी पक्षी की, पेड़ की, पौधे की, या फिर किसी इंसान की, और लोगों ने बोल दिया पुनर्जन्म हो गया। क्या कारण हो सकता है इसका, कोई कारण नहीं है। क्या कॉज है, क्या रीजन है, कोई रीजन नहीं है। रीजन तो मरी हुई चीजों का होता है, मृत चीजों का होता है। रीजन तो आप पूछ सकते हैं कि भाई नॉन लिविंग चीजों की बात करें कि टेलीविजन क्यों खराब हो गया, टीवी क्यों खराब हो गया, क्या रीजन है, कोई फॉल्ट हो गया होगा अंदर से, ये रीजन है। लेकिन इस विराट संपदा का, इस कॉस्मोस का, इस यूनिवर्स का, इस क्रिएशन का कोई रीजन नहीं है, कोई कारण नहीं है। हाँ, इसको महसूस करना कि आप कैसे कह रहे हो कोई कारण नहीं है, शांत हो जाओ, शांति में उतर जाओ, स्टिल हो जाओ, पीस में आ जाओ, तुम्हें पता लग जाएगा कि सब कुछ अपने यहाँ पे हो रहा है, ना कोई इसको चलाने वाला है, ना कोई इसको बनाने वाला है, कोई है ही नहीं इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, सब कुछ फ्रीडम में हो रहा है, फ्रीली हो रहा है, मुक्त पतन हो रहा है। बुद्धि है, मन है जो मान ले रहा है गलत हो रहा है, सही हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, अच्छे बुरे, दुख सुख से ऊपर उठो। मेरी थोड़ी बहुत मदद लेनी है तो मैंने एक कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम बनाया है, कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम, जिंदगी भर वीडियोस मिलती रहेंगी,
पहले आपको स्टार्टिंग में 12 वीडियोस मिलेगी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, उसके बाद फिर मेरे मेडिटेशन रूटीन की डेली मेडिटेशन करते हुए वीडियो मिलती रहेगी ज़िंदगी भर के लिए, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसे ये पेड कोर्स है, ये पेड प्रोग्राम है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं ईजिली। थैंक यू वेरी मच। जो नंबर है वो आपका कमेंट सेक्शन में दे रहा हूँ मैं, व्हाट्सअप नंबर, और डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।